हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो आज हम लोग एक बार फिर से 2019 इवेंट का जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने 2020-2021 ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट टेस्टिंग मेंटेनेंस का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आपका बिना वक्त जाया क्यों है, हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं, इसी के साथ सोल्यूशन करते हैं। आप लोग सर का 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा टफ पेपर था, इसे भी कंट्रोल सिस्टम आप लोग का 6th semester इलेक्ट्रिकल का सबसे टफेस्ट पेपर है। तो अच्छी तरह से आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग सर भी न्यूमेरिकल जो है 2019 में थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा था, तो चले न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा एकदम सिलेबस तक, इनके ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं सिर्फ बताएंगे, आप लोग क्यों ऑब्जेक्टिव का वो आंसर आ रहा है वो भी बताएंगे। तो चलिए, वीडियो का स्पीड आप लोग 2.0 कर लेंगे, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग वीडियो का स्पीड जरूर 2.0 कर लें ताकि आप लोग का समय बच सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विद द फीडबैक सिस्टम द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्या कर रहा था, फीडबैक सिस्टम में क्षणिक प्रतिक्रिया क्या होती है, डिके रैपिडली होती है कि डिके स्लोली, कि राज स्लोली, कि राज क्यूकली। तो ये तो जो होती है रैपिडली होता है, डिके रैपिडली, यानी पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी पहला जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए टेकोमीटर इज द फॉर्म ऑफ, ट्रांसफर फंक्शन टेकोमीटर का किसके फॉर्म में रहता है, तो के एस के फॉर्म में रहता है, तो यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए फीडबैक सिस्टम द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ सिस्टम क्या, देखिए फीडबैक सिस्टम की चौड़ाई इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ द गेन, जानते हैं हम लोग गेन डिक्रीज करता है तो बैंडविड्थ क्या बढ़ता है, तो यानी आप सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें 3 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंक्रीज करेगा क्या बैंडविड्थ, जब गेन अमाउंट, गेन का जो अमाउंट रहेगा वो डिक्रीज करेगा तब। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए VBI क्वेश्चन है, इसे UPSC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप लोग सेमेस्टर में भी 2-3 बार आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, द ड्रैग कप रोटर इज इम्प्लॉयड इन ए 2-phase इंडक्शन मोटर टू गिव, तो जो 2-phase इंडक्शन लो इनर्सिया प्रदान करता है हमें ड्रैग कप रोटर का, यानी 4 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5, रूट लोकस इज द फुल आउट ऑफ द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम अगेंस्ट वेरिएशन इन, किससे वेरिएट करता है, तो गेन के से वेरिएट करता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इनपुट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज ए यूनिट इम्पल्स फंक्शन थेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सच ए सिस्टम इज, देखिए ट्रांसफर फंक्शन पूछा था, ट्रांसफर फंक्शन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, CS/RS, तो यहाँ जो सी एस है, देखिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, तो सी एस क्या वो आना जाएगा, इम्पल्स फंक्शन थे ना, ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स का कितना, आर एस 1/S, तो एस ऊपर चला गया, यानी एस इज द राइट ऑप्शन, 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, डैम्पिंग इन ए कंट्रोल सिस्टम इन ए फंक्शन ऑफ, क्या पूछा, डैम्पिंग, डैम्पिंग का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 1/√gain, क्या 1/√gain, तो यानी सी इज द राइट ऑप्शन, 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज सेड टू बी ओवरडैम इफ द डैम्पिंग रेशियो इज ओवरडैम, तो डैम्पिंग रेशियो क्या 1 से ज़्यादा, क्या कहते हैं, ओवरडैम, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देख लीजिए अंडर डैम्प में हम लोग क्या 1 से कम रखते हैं, और वही 1 के बराबर रहेगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड रहेगा, सॉरी, और जब 0 के बराबर आएगा तो अनडैम्प्ड रहेगा, सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, इस लीनियर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन जी एस बराबर 49 इन इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेप इनपुट द रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सपेक्टेड पीक ओवरशूट ऑफ, क्या पूछा, पीक ओवरशूट निकाल, सबसे पहले क्या जीटा निकाल लेते हैं, तो जीटा कैसे निकलेगा, देखिए 49 दिया होता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, बुल्लू से लिख लेते हैं, एस स्क्वायर 2 जीटा नॉट ओमेगा एन एस प्लस नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होता है, ठीक है, देखिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर कंपेरिजन कीजिए, इसके स्क्वायर क्या 49 था, ओमेगा एन बराबर कितना गया 7 आ गया, एस बराबर क्या 1, देखिए कुछ नहीं, एस बराबर क्या 1 कंपेरिजन किए तो एस बराबर 1, अब यहाँ से देखिए जिट्टा निकाल लीजिए आप लोग, 2 जिट्टा ओमेगा एन की जगह 7 रखेंगे, एस की जगह 1 बराबर कितना दिया 16,
एस टू वन थे यानी 16 बन, देखिए 7 दूनी 14 जीटा बराबर कितना है 16/14 यानी 1 से ज़्यादा। तो हम लोग जानते हैं जीटा ओवर डैम्प्ड में एक से ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में हम लोग पीक ओवर शूट नहीं निकालता, पीक ओवर शूट क्या नहीं निकलता है ओवर डैम्प्ड में। तो यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सभी को क्लियर है। 9 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, जो डी हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग इरेज कर देते हैं इसको। ध्यान रखिएगा ओवर डैम्प्ड में पीक ओवर शूट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जी यहाँ है, यानी का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन द डिले टाइम इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच पीरियड, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका क्या 50% ऑफ फाइनल वैल्यू हो जाता है डिले टाइम, डिले टाइम का 50%। इसका राइट ऑप्शन क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इफ बोथ द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो विल बी, जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको समझने से पहले आप लोगों को देखिए समझाते हैं क्या। जब जीटा ग्रेटर देन वन हो, क्या जीटा ग्रेटर वन, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ओवर डैम्प्ड करते हैं, क्या करते हैं ओवर डैम्प्ड। टाइग्रेटर डरमान होता है तो इसमें क्या लाइक करता है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट लाइक करता है, रियल रूट क्या टू डिस्टिंक्ट रूट एंड रियल रूट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन देखिए क्या है, इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट थे वैल्यू ऑफ टाइम्पिंग रेस, तो इसका तो हम लोग जानते हैं जीटा वन थे यानी ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, लेकिन अगर जीटा बराबर 1 रहता तब क्रिटिकली डैम्प्ड रहता, तो इसको तो हम लोग कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड जीटा बराबर 1। तो इसमें 2 इक्वल रूट लाई करता है, क्या 2 इक्वल एंड रियल रूट लाई करता है। ये सब कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, क्या 2 इक्वल एंड रियल रूट जीटा बराबर 1। ये अगर जीटा लेस देन 1 होता तो इसको तो हम लोग अंडर डैम्प्ड कहते हैं। तो अंडर डैम्प्ड 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट लाई करता, टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट लाई करता, सभी को क्लियर होगा। हम लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम लोग, एक क्वेश्चन में आप लोग को 3-4 क्वेश्चन बता दें, इस तरह सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, क्या कह रहा है इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट ऑप्शन लार्ज एरर हाई सेलेक्टिविटी नॉइज हाई गेन, जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है वो हाई गेन के कारण आता है। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा डी हो जाएगा, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ एल जी ओमेगा इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 0 dB हो जाएगा, क्या एल जेड इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 dB यानी 13 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द नाइक्विस्ट प्लॉट कट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 कितना डिस्टेंस या 0.3 द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम, तो आप लोग फार्मूला से जानते होंगे गेन मार्जिन कितना 1/ कितना से कट करा 0.4, तो 1.4 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 2.5। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 2.5। द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या पूछा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए 1/ j ω5 है तो यानी 5 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आंसर आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सभी को क्लियर, सभी न्यूमेरिकल को आपको बना के समझा के बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16, स्लोप ऑफ फैक्टर के इन प्लॉटिंग बोर्ड मैग्नीट्यूड कर्व, ये भी बार बार पूछा जा चुका है, इसका कितना 0 degree है राइट आंसर है, कितना आप लोग अच्छे से जानते हैं 0 degree। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी पूछा जा चुका है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन, एज रिपीटेड क्वेश्चन है, एज s²(4s+16) द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, क्या पूछा ओमेगा एन का मान पूछा था, ओमेगा एन कितना, या देखिए अभी बताए थे क्या s²(2g ओमेगा एन
एस प्लस नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट यानी 16 का रूट कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा सी, सीधा राइट 16 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा सी हो जाएगा। सभी को क्लियर? चलिए सॉरी 17 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए इरेज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इरेज हो गया क्वेश्चन नंबर 18। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्या करा यूनिटी कंट्रोल फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जीएस, इतना दिया हुआ कि एस एस द गेन के इज इंक्रीज ऑफ इनफिनिटी एंड एस इतना टाइपिंग रेशियो विल बी 10:2, ठीक है द अनडैप्ड में हो जाता है यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फोर नाइक्विस्ट प्लॉट बी यूज, क्या कर रहा है फोर नाइक्विस्ट प्लॉट बी यूज, किसके लिए यूज किया जाता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए कि ओपन लूप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इन ई एफ द जो सॉरी जो नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। उन्हें इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक कीजिए बी को टिक कीजिए, उन्हें इसका राइट ऑप्शन क्या बी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कंसिडर द फ्लोविंग प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट टू अ स्टेट मॉडल ऑफ ए सिस्टम, अ स्टेट मॉडल इज यूनिक, क्या करा स्टेट मॉडल यूनिक हो जाना चाहिए तो नेसेसरी कंडीशन है। अ स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, बिल्कुल अ स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव फ्रॉम टाइम वेरिएंट सिस्टम ऑफ दैट स्टेटमेंट, बिल्कुल तो इसका राइट ऑप्शन एक एंड तीन सॉरी दो एंड तीन आर करेक्ट, क्या पहला तो गलत है दो एंड तीन आर करेक्ट यानी राइट ऑप्शन क्या जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आप लोग से जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। यहाँ तक अगर आप लोग देख लें तो प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग सिलेबस तरह से देखते आएँ ताकि आप लोग का अच्छे तरह से पता लग जाए प्रीवियस में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है जो